हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, हेयर आई एम विद द डिस्कशन ऑफ योर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आज के सेशन में हम जीके के सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर आया है। क्वेश्चन बुकलेट मेरे पास ए है, ठीक है, सीरीज इसकी ए है, लेकिन सभी के सभी जो आपके क्वेश्चन बुकलेट्स के कोड हैं, सभी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर का डिफरेंस होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर मत जाइए, ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए और देखिए कि आपने आंसर क्या वही मार्क किया है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सभी कोड्स के लिए है, सिर्फ ये है कि ये सीक्वेंस कोड ए का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन सभी कोड में ये रिपीट होते ही होते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट जो ए सेट इन्होंने अपलोड किया है। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं जीके का सेक्शन, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द टर्म कैनन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है ये? बिलियर्ड्स के साथ एसोसिएटेड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी स्टेट में है? ये है मणिपुर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट रिलेटेड टू फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कौन सी अवार्ड इनमें से एक ऐसा अवार्ड है जो आर्किटेक्चर की फील्ड में नहीं है, दैट इज़ एबल प्राइज़। और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्राइज़ है ना, ये मैथमेटिक्स फील्ड में दिया जाता है, आर्किटेक्चर फील्ड में नहीं दिया जाता। और जो ए सी एंड डी ऑप्शन है, ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिए गए प्राइजेस के नाम हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन इंडिया नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th ऑफ नवंबर एवरी ईयर, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे को 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 4 की ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड शाका इरा, शाका इरा कौन से रूलर ने स्टार्ट किया था, वो है रूलर कनिष्का के अंडर ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हु प्रपोज्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, दैट इज दादा भाई नैरोजी। नेक्स्ट हमने मैच करना है, ए बी सी डी ऑप्शन दी हुई है, 1 2 3 4 इधर दिया हुआ है, और देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन ऑप्शंस जो है ना वो 2 से स्टार्ट हो रही हैं, इट मींस सी तो ऑप्शन देखो ही मत, यही आंसर इन्हीं में से आपको मिलेगा। अब ए बी और डी में भी देखो, 2 2 2 यहाँ पे है, 4 3 3, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे मैं आपको बता दूँ, जिसका करेक्ट आंसर है 7th का, दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है जी। जो अमृता शेरगिल है वो एक पेंटर के नाम से मशहूर है, ठीक है, पेंटर, मशहूर पेंटर है। जो भीमसेन जोशी है ये एक बहुत फेमस सिंगर है। देन मल्लिका साराभाई जो है ये एक बहुत फेमस डांसर हैं। देन फाइनली जो रह गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये क्या है, एक बहुत अच्छे पोइट हैं, फेमस पोइट हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, वाईफाई की फुल फॉर्म ये तो सभी को पता ही होगा, वायरलेस फिडेलिटी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। देन क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इट इज़ नॉट अ वेब ब्राउजर, IP एड्रेस भी एड्रेस नहीं होता है, एक कोड होता है किसी भी सिस्टम का। देन इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना, दैट इज आर की, ये एक फर्स्ट सर्चिंग टूल है यूज्ड ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ, इसका करेक्ट आंसर है कानपुर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ, ऑप्शन डी। अब देखिए ए सेट डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चे आप ये देखो, ये क्वेश्चंस आपको भी होंगे अगर आपका सेट ए नहीं भी था, क्योंकि क्वेश्चंस उलट पुलट करके नंबरिंग डिफरेंट करते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। सो नेक्स्ट इज 11th, अरिहंत इज द नेम गिवन टू, अरिहंत किसको नेम दिया हुआ है, ये मत सोचना कि आप लोगों की कोई बुक है अरिहंत, दिस इज द नेम गिवन टू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है जी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दिस इज ऑप्शन डी स्पेस एक्स। डैश इज अ हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑन कमर्शियल बेसिस, कमर्शियल बेसिस सेल परचेज के लिए जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस को अपनाया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग, ठीक है, जिसमें बड़े पैमाने पर या फिर हम करते हैं भारी भरकम ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट रिलेटेड टू डाइजेशन,
कौन सा ग्लैंड है जो डाइजेशन के रिलेटेड नहीं है? बेसिकली ये है ग्लैंड जो है ना, एड्रिनल ग्लैंड है, ये किडनी में होता है। तो ऑप्शन ए इसके किडनी है, किडनी के अपर टॉप अपर पोर्शन में एड्रिनल ग्लैंड होता है जो डाइजेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, सो बाकी सभी जो ग्लैंड्स हैं ये डाइजेशन के साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीडोमिनेंटली एक्ट एज द एजेंट ऑफ केमिकल इरोजन ऑफ वाटर, केमिकल इरोजन ऑफ सॉइल सॉरी। ठीक है, तो सॉइल की केमिकल इरोजन किस तरह से होती है? दैट इज बाय अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उससे जो सॉइल है वो केमिकली इरोड हो जाता है। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 17th, हु हैज़ वन द पर्पल कैप इन इंडियन प्रीमियर लीग 2024, तो ये तो काफ़ी बच्चों को पता ही होगा, IPL देखते ही हैं हम सब, तो हर्षल पटेल इसका जो है करेक्ट आंसर है। इन विच कंट्री इंडियाज़ डेयरी ब्रांड अमूल हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सेल ऑफ फ्रेश मिल्क फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US में लॉन्च किया है अमूल को फर्स्ट टाइम, ठीक है, फ्रेश मिल्क की सेल के लिए। द नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर रॉबोट इन इंडिया, दैट इज़ इरिस, ठीक है, आयरिस भी बोलते हैं, IRIS इज़ द फर्स्ट AI टीचर रॉबोट इन इंडिया। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, श्री JP नड्डा हैज़ टेकन द चार्ज एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इन्होंने चार्ज लिया है इन जून 2024। विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इनेबल सिटीजन्स टू रिपोर्ट वायोलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन, तो अगर कोई वायोलेशन होती थी उसको रिपोर्ट करने के लिए कौन सी ऐप बनाई गई थी? वो थी सी विजिल ऐप, ठीक है, आप खोल के भी देखोगे ना आपको पता लगेगा, सी विजिल ऐप बनाई गई थी स्पेशल इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव, स्कूल ऑन व्हील्स यानी कि जो बच्चे आकर नहीं पढ़ सकते तो उनको पढ़ाया जाए, तो वो है मणिपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए 22 की। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023, दैट इज मेजर राधिका सेन, ऑप्शन बी। अब देखते जाओ साथ साथ में कितने क्वेश्चन सही आपके, कितने आप गलत करके आए, उस अकॉर्डिंग आपको 30 में से मार्क्स आपके पक्के पता लग जाएंगे। नाउ 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन, जो 100% है वो लॉन्च किया है इंडिया ने, और किसने लॉन्च किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, सौरभ एच मेहता ने लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली से हैं, और जो पेन है दैट इज़ नोट पेन, ठीक है, आपको फिर भी कभी जानकारी के लिए पता होना चाहिए पेन का नाम है नोट पेन, ये 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। नेक्स्ट 25, द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल का क्वेश्चन आना ही आना होता है, आर्टिकल 44 में है ये। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक कोड डेवलपमेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वुमेन्स प्राइज 2024, दैट इज बाय मधुमिता मुर्गिया। इन NEP 2020 टारगेट्स हैव बीन सेट टू अचीव, कितने परसेंट GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ये चाहते हैं हायर एजुकेशन में 2035 तक, दैट इज़ बाय 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इनको चाहिए। नाउ नेक्स्ट, विच वॉट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिसेंटली रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज 129th रैंक है इंडिया का इसमें। नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन नंबर, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है सभी को पता होगा, बेंगलुरु में है इसका जो हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट फाइनल लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच इंडियन फिल्म मेकर हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल फॉर हर डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, दैट इज पायल कपाडिया। सो चेक कीजिए आपके कितने आंसर्स हैं, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें GK के जो आंसर्स हैं और जो आंसर की आई है ये कम्प्लीटली मैच होती है, कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। सो आपके डायरेक्ट जो आपको पता है कि आपने सही ऑप्शन टिक की है वही आपके मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्शन
है ही नहीं, ठीक है जी। बाकी के सेक्शंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सो वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपने आज ही अपने मार्क्स जानने हैं या फिर देखना है कि कौन से क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन की वॉचिंग।